सर्वोच्च शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,650 फीट, और अगर मीटर में इसकी बात की जाए तो 1,722 मीटर ऊंची है ये, 1,722 मीटर, और इसमें फीट में बात की जाए तो 5,650 फीट की इसकी ऊंचाई है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अरावली प्रदेश को कितनी उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 3। अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 3 उप प्रदेशों में। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो जल विभाजक का कार्य करता है? यह हो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई है? तो 80% लंबाई जो है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की 80% लंबाई है, मतलब जो पूरी जो अरावली पर्वतमाला है इसकी लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो इसका आंसर होगा 80%, 80% जो राजस्थान लंबाई है अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में है। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्न में से अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के जिले के जिलों की संख्या कितनी है? 16। अरावली पर्वतमाला में जो जिले हैं स्थित हैं राजस्थान के, ये कितने हैं? 16 जिले स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितनी प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? तो 9%, 9% जो है 9% भूभाग पर अरावली पर्वत राजस्थान के राज्य के जो है 9% भूभाग पर विस्तृत है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से अरावली पर्वत की स्थिति है दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व तक। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के कौन से दो जिला मुख्यालय निकटतम स्थित है? तो बूंदी और कोटा। बूंदी और कोटा जो है राजस्थान के दो जिला मुख्यालय है, सबसे निकटतम सबसे पास वाले जिला मुख्यालय हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्व द्वार कहलाता है भरतपुर को। पूर्वी द्वार भी भरतपुर को ही कहा जाता है, और साथ ही प्रवेश द्वार भी राजस्थान का किसे कहा जाता है? भरतपुर जिले को ही। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है? बाड़मेर। बाड़मेर जिले की सीमा जो है गुजरात और पाकिस्तान से लगती है, दोनों से लगती है। गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है बाड़मेर, और पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि पाकिस्तान एक देश है, राष्ट्र है, और गुजरात राज्य है, तो इस कारण ये हो गई अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक हैं? निम्न में से राजस्थान के किस कौन सा जिला जो है अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे अधिक है? झालावाड़। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? खेतड़ी तक। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में कहाँ तक है? उत्तर में है खेतड़ी तक। खेतड़ी पड़ती है झुंझुनू में। इसके बाद नेक्स्ट है, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से हमादा किसे कहते हैं? पथरीला मरुस्थल को। पथरीले मरुस्थल को हमादा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है धरियन। स्थानांतरित जो एक जगह से दूसरी जगह जो स्थानांतरित होते रहते हैं बालुका स्तूप, तो इनको स्थानीय लोकल लैंग्वेज में कहाँ क्या कहा जाता है, क्या पुकारा जाता है? धरियन के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालुका स्तूप है? अनुधैर्य। अनुधैर्य जो है जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में ये बालुका स्तूप का प्रकार है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, निम्न में से जालोर क्षेत्र में स्थित है? झारोल, रोजा भाकर और इसराना भाकर है, ये तीनों ही जालोर एरिया में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान में रेगिस्तान लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 61% भाग पर जो है राजस्थान में रेगिस्तान है, 61.11% भूभाग पर राजस्थान में रेगिस्तान है। इसके बाद नेक्स्ट है, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहाँ बनते हैं? शुष्क मरुस्थल में, उत्तरी रेगिस्तानी और पश्चिमी रेगिस्तानी, तीनों में ही अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप बनते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार अगर पूछ लिया जाए तो ये होगा चित्तौड़गढ़ जिले में। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल? थार का मरुस्थल। और इसकी लंबाई कितनी बताई, इसका क्षेत्रफल किस, इसका एरिया कितना बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थार का मरुस्थल का एरिया कितना है? 233,100 वर्ग किलोमीटर। इसका नेक्स्ट, रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वह क्या है? धोरे। ये आ गया धोरे आपकी बार, वो पहले वाला धरियन था जो स्थानांतरित बालू का स्तूप थे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं उनको धरियन कहा जाता है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में। लेकिन अब जो है रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है क्या कहलाते हैं? धोरे कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट, स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को एक विशाल इंसेल वर्ग की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर होगा आबू पर्वत खंड। नेक्स्ट, पश्चिमी मरुस्थली भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 40% 40% पॉपुलेशन है कहाँ पर? पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में। नेक्स्ट है, निम्न में से उदयपुर जिले में कौन सा पठार स्थित है? लसाड़िया का पठार। इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक भाग सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से भोमट है, भोमट क्या है? डूंगरपुर का अगम्य क्षेत्र जहाँ जाना बहुत मुश्किल है और जहाँ आसानी से जाया नहीं जा सकता है तो वहाँ पर यह होगा अगम्य क्षेत्र, तो डूंगरपुर का अगम्य क्षेत्र जो है भोमट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? एवरेज हाइट कितनी है? 930 मीटर। अरावली सीरीज की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसकी औसत एवरेज हाइट कितनी है? 930 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम राजस्थान के किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? अजमेर में। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के अजमेर जिले में सबसे कम है। राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन से मिट्टी पाई जाती है? तो दूसर मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में बेकार भूमि सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर जिले में। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान में 56 के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल रेतीली कचारी मिट्टी। नेक्स्ट, अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी भाग में। अरावली के पश्चिमी भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान के उत्तरी भाग में किस मिट्टी की प्रधानता है? मतलब प्रधानता मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उत्तरी भाग में? तो यह है बलुई मिट्टी पाई जाती है उत्तरी भाग में। इसके बाद नेक्स्ट, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मगरा। उदयपुर का जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है वहाँ पर स्थित जो पहाड़ियाँ हैं इनको लोकल लैंग्वेज में, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में या स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मगरा। नेक्स्ट, अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर। राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय सर्वाधिक पाकिस्तान सीमा के नज़दीक है? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिले का मुख्यालय जो है सबसे पास में है पाकिस्तान की सीमा के। नेक्स्ट, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में। राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल भाग है वहाँ पर जो वन है किस रूप में पाए जाते हैं? कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में वहाँ पर वन पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय सबसे अधिक पाक सीमा के नज़दीक है? श्रीगंगानगर। एक क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका, पहले भी आ चुका कि वो जो राजस्थान का जो कौन से जिले का मुख्यालय सबसे अधिक पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक है, तो श्रीगंगानगर जिले का मुख्यालय है यहाँ पर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर।
उसके बाद नेक्स्ट राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 10.41% जो है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग जो है राजस्थान का क्षेत्रफल है। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान के उत्तरी सिरे पर स्थित गांव का नाम क्या है? कोणा। राजस्थान का जो उत्तरी छोर है वहां पर स्थित गांव का क्या नाम है? कोणा गांव। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान के दक्षिणी सिरे पर स्थित गांव का नाम क्या है? बारकुंड। उत्तरी सिरे के स्थित गांव का नाम तो क्या है? कोणा। और दक्षिणी सिरे पर स्थित गाँव का नाम क्या है? बोरकुंड। और साथ ही राजस्थान के पूर्वी सिरे पर स्थित गाँव का नाम क्या है? शिलाना। और इसके बाद है राजस्थान के पश्चिमी सिरे पर स्थित गांव का नाम क्या है? कटरा। कटरा गांव जो है राजस्थान के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहां से होता है? हिंदुमल कोट से। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहां समाप्त होती है? सहागढ़ से। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? यहाँ पर जिलों की बात नहीं हो रही, अब हो रही संभागों की बात। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर। राजस्थान में थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए, राजस्थान जो थार का मरुस्थल जो है इसका कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया तो कितना है? 233,100 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जो राजस्थान में थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है ये कितना है? 175,000 वर्ग किलोमीटर। 175,000 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है राजस्थान थार के मरुस्थल का, वो राजस्थान में है। और राजस्थान के थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? 233,100 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। यह स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। इसके बाद नेक्स्ट, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है पहला? ये तो जो है कॉमन क्वेश्चन है, सबको आता है ये। तो राजस्थान की सीमा देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? 4 जिले। इसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान के वे जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा को स्पर्श करते हैं? बाड़मेर व गंगानगर।